हाय गाइस, आज के इस वीडियो पे हम बात करने वाले हैं ऐसे इंडिकेटर के बारे में जो कि आपको tradingview.com पे आपको देखने को मिल जाएगी। और इसकी अगर एक्यूरेसी के बारे में अगर हम यहाँ पे बात करें तो ऑलमोस्ट 70 से 80% तक का एक्यूरेसी हम यहाँ पे कह सकते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी इस इंडिकेटर में हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है और इसका आप यहाँ पर भी एक एनालाइज कर सकते हो, आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पे इस इंडिकेटर ने बाय का यहाँ पर सिग्नल दिया है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और मार्केट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी बड़ा पंप हमें देखने को मिला है। ठीक इसी तरह से आप यहाँ पर भी देखते हो इस इंडिकेटर ने सेल का यहाँ पर हमें इंडिकेशन दिया है, और यहाँ पे देखोगे तो मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पर डंप हुई है। तो अगर आप इस इंडिकेटर को फॉलो करोगे तो काफ़ी ज़्यादा चांस बनेगा कि आप यहाँ पर प्रॉफिट बना सको। और इसके लिए हम यहाँ पर बाइनेंस और बाइबिट दो एक्सचेंजेस को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो अगर इन दोनों में आपका अकाउंट नहीं है तो आप अकाउंट ज़रूर क्रिएट कर लेना। बाइनेंस और बाइबिट वन ऑफ द बेस्ट क्रिप्टो एक्सचेंज है जहाँ पे काफ़ी बड़े लार्ज अमाउंट में फ्यूचर ट्रेडिंग होते हैं। और ये दो एक्सचेंज मैं आपको इसीलिए सजेस्ट कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्सचेंजेस में क्या होता है कि जब आप ट्रेडिंग करते हो तो आपके जो ऑर्डर होते हैं वो जल्दी फिल नहीं होते, तो इसलिए आप बाइनेंस या बाइबिट को यूज कर सकते हो। अगर आप बाइनेंस ऑलरेडी यूज कर रहे हो तो बाइबिट को यूज कर सकते हो, जिसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगी। तो यहाँ पर आप इस इंडिकेटर का एक्यूरेसी आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। ये देख सकते हो यहाँ पर सेल का सिग्नल दिया गया है, मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पर डंप हुआ है। इसके बाद अगर आप देखोगे तो यहाँ पर भी बाय का सिग्नल दिया गया है और मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे पंप हुआ है, जो कि आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके बाद एक सेल का भी यहाँ पर सिग्नल दिया गया है, मार्केट थोड़ा बहुत यहाँ पे डंप की है। तो इस इंडिकेटर को यूज करने के लिए सबसे पहले आप जब चार्ट को ओपन करोगे तो BTC USD मतलब किसी भी चार्ट को अगर आप ओपन करना चाहते हो, सपोज करो आप XRP को ओपन करना चाहते हो, ADA को यूज करना चाहते हो, BNB को यूज करना चाहते हो, तो DT आपको यहाँ पर सर्च करना पड़ेगा, ADA USD। याद रहे T को आपको यूज नहीं करना है, ADA USD आपको यहाँ पर चूज करना है। इसके बाद इसमें जब आप क्लिक करोगे तो फिर कुछ इस तरह का आपका पैटर्न यहाँ पे दिखेगा, कुछ इस तरह का आपका चार्ट यहाँ पे दिखेगी। तो यहाँ पर मैंने BNB USD चार्ट का ओपन किया है, T नहीं डालना है, BNB USD आपको यहाँ पे लिखना है, या फिर जो भी क्रिप्टो को लिखना चाहते हो USD पेयर्स में आपको यहाँ पर सर्च करनी है। सर्च करने के बाद यहाँ पर देख सकते हो दो इंडिकेटर मैंने यहाँ पर यूज किया है। तो इसे आप इंडिकेटर के ऑप्शन पे आपको सर्च करना है, और सर्च करना है आपको डेफी डेविनिसी, ये आपको यहाँ पर सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको शो करेगा डेफी डेविनिसी चीट कोड। तो इसे आपको यहाँ पर क्लिक करनी है। क्लिक करने के बाद फिर से आपको एक नया इंडिकेटर को आपको सर्च करना है जिसका नाम है Q Trend, तो ये आपको यहाँ पर सर्च करनी है। तो ये दोनों ही इंडिकेटर को मैंने सेट करके रखा है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, डेफी डेविनिसी Q Trend। अब यहाँ पर सेटिंग पे जाकर कुछ इसमें मॉडिफाई करना है जो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसे अच्छे से आप यहाँ पे नोट कर लेना, फर्स्ट MA सेकेंड MA को हमने यहाँ पर ऑन रखा है, बाकी जितने भी चीज़ें थे वो मैंने यहाँ पर ऑफ कर दिए, तो इसे थोड़ा सा ध्यान में रखना। इनपुट में जाकर इसे फर्स्ट MA का जो लेंथ है उसे 25 करना है, सेकेंड MA का जो लेंथ है उसे 50 करनी है, सिग्नल लेंथ आपको 25 यहाँ पर रखना है, बाकी कुछ भी सेटिंग नहीं करनी है। ओके का ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद क्यू ट्रेंड के सेटिंग पे जाकर आपको कुछ चीज़ें मॉडिफाई करनी है। इनपुट में जाके आप यहाँ पे देख सकते हो ट्रेडिंग पीरियड 25 है हमारा, ATR मल्टीप्लायर 3 है, तो इसे आपको सेट कर लेना है। स्टाइल में जाकर आप देख सकते हो ट्रेंड लाइन को मैंने यहाँ पर ऑफ रखा है, बाय सिग्नल सेल सिग्नल को मैंने यहाँ पे ऑन रखा है, बाकी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर ऑफ कर दी है, तो इसे भी थोड़ा सा नोट करना है। इसके बाद ओके के ऑप्शन पे क्लिक करके आपको इसे यहाँ पे सेटिंग कर लेनी है। तो सेटिंग करने के बाद कुछ इस तरह का आपको ऑप्शन दिखेगा जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और यहाँ पे आप बखूबी देख सकते हो बाय का सिग्नल मिला है, मार्केट काफ़ी अच्छा पंप हुआ है, सेल का सिग्नल मिला है, मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पर डंप हुआ है। तो अब हम समझते हैं कि आपको यहाँ पर ट्रेड कैसे करना है। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं जो आपको यहां पर ध्यान रखना है कि जब भी आप यहां पर ट्रेड करोगे तो जो आपका मार्जिन होगा उसे आपको कम रखना है, जस्ट लाइक कि $8, $10, $5 इतना ही आपको मार्जिन यहां पर रखना है। और जो आपका टारगेट होगा वो 1:3 का होगा, मतलब अगर आपने $10 का मार्जिन रखा है तो $30 का आपको यहाँ पर प्रॉफिट रखनी है, मतलब या तो आपके $10 यहाँ पर लॉस होंगे या फिर $30 आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिलेगा।
अब मैंने BNB USD का 15 मिनट का चार्ट ओपन किया है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मार्जिन आपको कम रखना है, लेवरेज चाहो तो हाई रख सकते हो, ऑलमोस्ट आप 50x 75x का आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। अब इस इंडिकेटर का आप कमाल देख सकते हो जो कि आप यहाँ पर देखने को है। सबसे पहले आप यहाँ पर देखो, फर्स्ट में स्टार्टिंग पे ही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ पर इस इंडिकेटर ने काफ़ी अच्छा यहाँ पर सिग्नल दिया है सेल का। मार्केट देखोगे तो इजीली आपका $30 का प्रॉफिट यहाँ पर बन चुका होगा। इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो, इसने यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया है, लेकिन बाय का सिग्नल जो यहाँ पर दिया है वो आपका फॉल्स हो चुका है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। इसके बाद आप फिर से यहाँ पर देख सकते हो, मार्केट ने यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया है जो कि हिट यहाँ पर नहीं रही, लेकिन इसके बाद इसने सेल का सिग्नल दिया है जो मार्केट में काफ़ी अच्छा यहाँ पर डंप हुआ है। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे तो दो बार आप यहाँ पर लॉस करे हो और दो बार आपने यहाँ पर प्रॉफिट बनाया है, लेकिन आपकी जो प्रॉफिट का साइज है वो 1:3 का है। इसका मतलब यहाँ पर ये है, $10 का अगर आपने मार्जिन यहाँ पर यूज किया होगा तो आप लगभग $40 के प्रॉफिट पे आप यहाँ पर होंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, ये 70 से 80% का एक्यूरेसी आपको देती है, लेकिन आपको प्रॉफिट यहाँ पर ज़्यादा दे रही है, जिस कारण से आप यहाँ पे प्रॉफिट अच्छा खासा बनाओगे, क्योंकि यह आपको जो बाई सेल का डिफरेंसेस है वो काफ़ी ज़्यादा आपको दे रही है। इसके बाद हम आगे भी यहाँ पर देखेंगे, आप देख सकते हो बाय का सिग्नल दिया है, मार्केट काफ़ी अच्छा यहाँ पे पंप हुई है, लेकिन सेल का जो सिग्नल दिया है वो यहाँ पर अच्छा नहीं रहा है, तो जिस कारण से ये लॉस हुआ है। लेकिन आपकी जो प्रॉफिट का साइज है वो 1:3 का है, तो आप यहाँ पर भी आपने प्रॉफिट यहाँ पर बना चुके होंगे। इसके बाद फिर से आप यहाँ पर देख सकते हो, काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक्यूरेसी हमें देखने को मिल रहा है, 50-50 ही हमें देखने को मिल रहा है, बट ओवरऑल हमारी प्रॉफिट काफ़ी ज़्यादा है। अब आप यहाँ पर देख सकते हो सेल का सिग्नल मिला है, सेल में आप देख सकते हो इजिली आपने $30 ग्रैब कर लिया होगा अगर आप यहाँ पे $10 से यहाँ पर ट्रेड कर रहे होंगे। अब यहाँ पे देख सकते हो इसने फिर बाय का भी सिग्नल दिया है, लेकिन बाय का सिग्नल यहाँ पे लॉस रहा है। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि $10 अगर आप यूज करते हो तो या तो वो $10 चले जाएंगे या फिर आपको $30 का प्रॉफिट होगा। तो अगर ये यहाँ पर लॉस भी अगर आपने कर लिया होगा, मतलब एक ट्रेड आपका प्रॉफिट में गया, एक ट्रेड लॉस में भी गया होगा, फिर भी ओवरऑल आप यहाँ पर प्रॉफिट पर ही होंगे। इसके बाद आप फिर यहाँ पे देख सकते हो सेल का सिग्नल दिया गया है, मार्केट में अगर आप देखोगे तो काफ़ी अच्छा डंप हुआ है, इजीली आप $30 यहाँ पे बना चुके होंगे अगर आप $10 का मार्जिन आपने यूज किया होगा। यहाँ पर एक और आप चीज़ देख रहे होंगे कि यहाँ पर दो MA है, दो मूविंग एवरेज है, फर्स्ट MA और सेकेंड MA। जब फर्स्ट MA सेकेंड MA के नीचे की ओर ट्रेड होती है तो मार्केट एक डाउन ट्रेड पर हमें देखने को मिलता है, और उस टाइम सेल का जो सिग्नल होता है वह काफ़ी अच्छा यहाँ पर वर्क कर रहा होता है। लेकिन वही जब आप यहाँ पे देखोगे फर्स्ट MA सेकेंड MA के ऊपर होता है तो बाय का जो सिग्नल होता है वह काफ़ी अच्छा यहाँ पे वर्क कर रहा होता है। तो इसका एक आइडिया आप यहाँ पे ये ले सकते हो कि जब मार्केट एक सेल ट्रेंड पे होगी, मतलब जो फर्स्ट MA होगा वो सेकेंड MA के नीचे होगा, तो सेल के जो ट्रेड होंगे वह काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो सकते हैं। तो उसमें सेल पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है, सेल में आपको ज़्यादा यहाँ पर ट्रेड करनी है। साथ ही अगर फर्स्ट MA सेकेंड MA के ऊपर होगा तो बाय पे आपको ज़्यादा ट्रेड करना है, तो इस हिसाब से भी आप ट्रेड करके प्रॉफिट यहाँ पे बना सकते हो। तो यहाँ पे आप लगातार देख सकते हो काफ़ी अच्छा एक्यूरेसी यहाँ पे मिला है, बाय कर दिया तो बाय यहाँ पे गई, आप देख सकते हो। इसके बाद यहाँ पर सेल बोला गया है तो सेल भी यहाँ पर हुई है, जो आप यहाँ पर देख सकते हो। तो इसके बाद सेल भी बोला गया है तो सेल का भी आप यहाँ पर देख सकते हो, और इसके बाद कई बार आप देख सकते हो बाय का सिग्नल दिया गया है, सेल का सिग्नल दिया गया है, तो एक बार सेल यहाँ पर कैंसिल हुई है, मतलब सेल का यहाँ पे ट्रेड लॉस हुआ है, लेकिन एक बार अगर बाय का आपने लिया होगा तो बाय का अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना होगा। इस तरह से यहाँ पर भी देख सकते हो बाय में अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे बना है। तो ओवरऑल अगर 50-60% का भी एक्यूरेसी यहाँ पर रहता है तो भी आप यहाँ से अच्छी प्रॉफिट यहाँ पर बना सकते हो, अगर आपका प्रॉफिट का जो रेशियो है वो 1:3 का होगा। तो इस तरह से आप दोनों इंडिकेटर को यहाँ पर यूज कर सकते हो, और सबसे पहले आपको यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है, जब आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी तो ही आप यहाँ पर प्रॉफिट बना पाओगे। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर प्रैक्टिस करना है, इसके लिए आप बाइनेंस या बाइबिट को यूज कर सकते हो, दोनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे होगा, तो आप उसमें अकाउंट क्रिएट कर लेना, KYC वेरीफाई कर लेना, और मिनिमम $50-100 से भी डिपॉजिट करके आप यहाँ पर ट्रेड करके एक जो प्रैक्टिस होती है वो आप इसे यहाँ पर कर सकते हो। तो आई होप दोस्तों कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, मिलता है अपने नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।